दरम्यान 4 तारखेला मशिदीसमोर भोंगे लावल्यास मनसे कार्यकर्त्यांवर मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल केले पाहिजेत अशी मागणी मालेगावचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी केलेली आहे। रितसर परवानगी घेऊन लावलेले भोंगे काढण्याचा कुणालाही अधिकार नाही असं शेख म्हणालेले आहेत। राज्य सरकार से डिमांड करता हूं, मेरी मांगनी है कि 4 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अगर मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर भोंगा लगाकर अगर वातावरण खराब करने का काम करेंगे तो राज्य सरकार ने नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के ऊपर मोकोका के तहत कार्रवाई करना चाहिए और उनको 1 साल तक जमानत नहीं मिले इस तरीके का मौका लगाकर कार्रवाई करना चाहिए। आज हमारी डिमांड है।